सो फार मतलब हम ये शूट करते करते दिस इज़ आर फोर्थ मंथ और शो को आज एग्जैक्टली आज 14 अप्रैल को पूरा एक महीना हो चुका है. हमारा 14 मार्च को शो ऑन एयर गया था. सो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है और ऑल्सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस शो. इट्स अ वेरी गुड शो विथ अ वेरी गुड टीम एंड आई रियली होप कि हम जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों तक पहुँचे और आप भी हमारे शो को उतना चाहो जितना हम चाहते हैं. मैंने ऑनेस्टली सिर्फ 4-5 ही रोज़े रखे. आई कुडंट फास्ट फॉर मोर डेज बिकॉज गर्मी बहुत है मुझसे. तो जब जब सीन्स कम होते हैं तो मैं रोज़ा रख लेती हूँ, जब नहीं सीन्स ज़्यादा होते हैं तब नहीं हो पाता है रोज़ा रखना. बट रिगार्डलेस हम चाहे रोज़ा रखें या ना रखें, हर शाम में हमारे सेट पर इफ्तारी होती है तो हमें इफ्तारी का ब्रेक मिलता है और हम उसमें बहुत सारी चीज़ें खाते हैं. सो गुड सो फार. इस पूरे मंथ में मैंने जब जब रोज़ा रखा है मैंने दिल से ऊपर वाले से यही प्रे किया है कि हमारा शो कलर्स चैनल का नंबर वन शो बन जाए. एंड शो नंबर वन बने या जो भी बने, बट मैं बस चाहती हूँ कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आए और आप हमारा शो देखें, हमें बहुत सारा प्यार दें. एंड दैट इज़ व्हाट आई एम रियली विशिंग फॉर. कुछ बदल जाता है. हाँ मतलब बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज और चेंजेस बेचारे मेरे पति के लाइफ में आए होंगे क्योंकि मैं तो 15-15 घंटे इधर ही होती हूँ. सो यस या ऑब्वियसली आई मीन आफ्टर मैरिज अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज. आपका लाइफ का इक्वेशन बदल जाता है. यू आर नॉट सिंगल एनी मोर, यू आर आंसरेबल टू योर पार्टनर. और कभी डिनर के लिए लेट हो रहे हैं तो बताना पड़ता है डिनर के लिए लेट हो रहे हैं और आप डिनर कर लो. या ऐसे सारे छोटे मोटे चेंजेस तो हैं ऑब्वियसली. कॉम्प्रोमाइज़ एज ऑफ नाउ तो टचवुड थैंक गॉड और आई होप ऐसे ही हमेशा रहे कि अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है. एंड वी बोथ आर वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिसीजंस एंड बस इसीलिए सब खुशल मंगल चल रहा है. मैं बस आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी फॉर गिविंग अस द काइंड ऑफ लव दैट यू ऑल गिव. एंड मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप इस शो को फॉलो करें, इस शो को देखें और हमें फीडबैक देते रहें कि आपको शो कैसा अच्छा लग रहा है. थैंक यू.